ईद उल अज़हा का पहला रोज शहर कायद में मशहूर बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स पर आवाम का रश। फूड स्ट्रीट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं साद शरीफ से। जी साद शरीफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर कायद की एक मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर मौजूद हूँ। ईद कुर्बा का आज पहला रोज़ अपने अख्तिताम की जानिब है। तमाम जो शहरी हैं वो पहले रोज़ की कुर्बानी से तो फ्री हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो लजीज खानों का सिलसिला है वो शहर कायद में शुरू हो चुका है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर बताइएगा कि क्या क्या यहाँ पर आपके पास दस्तियाब है। सर हमारे पास बारबेक्यू भी कढ़ाई है, अपना मलाई बोटी है, ये सब हम यहाँ पे बनाकर दे रहे हैं आज के दिन। सर रेट थोड़े से बता दीजिएगा, रेट थोड़े से कि किस रेट से जो है ना वो क्या किलो चल रहा है। ये कबाब बोटी जो है वो 500 रुपए किलो है, और 450 रुपए कबाब है, और कबाब फ्राई 700 रुपए है, और मटन कढ़ाई 800 रुपए किलो है, और इसी तरह पूरी पराठा होता है हमारा वो 100 रुपए का है, हलवा होता है हमारा ये 150 रुपए का है, ये चटनी प्याज है वो 50-50 रुपए की है। सर क्या लेने के लिए आए हैं आज, बकरीद का पहला दिन है और क्या लेने के लिए आए हैं? हमने यहाँ से गोश्त लेकर फ्राई कबाब बनवाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, हालत आप देख रहे हैं, तो यही है। बाकी ये कि ये घर में तो सब हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है बच्चे साथ हैं, गर्मी साथ हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ से बनवाया है, तो ये कि यहाँ से इजीली मिल जाता है, लेकिन अभी रश इतना है कि बच्चों के साथ फिर इनको खड़ा रहना। और लोग कुर्बानी करते हैं वो अपनी कुर्बानी में मसरूफ़ रहते हैं, फिर गोश्त में मसरूफ़ रहते हैं, गोश्त बांटने में मसरूफ़ रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।